अगर आप आज का वर्ल्ड ऑर्डर देखें, आज का वर्ल्ड ऑर्डर कंप्लीटली बदल गया। यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर तो रहा ही नहीं है, एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है, एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है। इसमें अगर आप जीडीपी से देखिए, आप मिलिट्री से देखिए, आप इकोनॉमिक पावर से देखिए, आप पॉपुलेशन से देखिए, आप कहीं से भी देखिए, तो अब ये जो यूरोप सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर है ये रहा ही नहीं। अब एक एशिया सेंट्रिक वर्ल्ड ऑर्डर आ गया, पहली बात। दूसरी बात, आप अमेरिका को निकालिए, चलिए जी, वो एक अपना सुपर पावर है, सबसे बड़ी इकोनॉमी है, रशिया एक मिलिट्री पावर है। क्या हो रहा है ये चाइना में? खबरें ऐसी आ रही हैं, आपने पहले भी हमारे ही चैनल पे बोला था कि ऐसा हो सकता है, या तो इसको मार दिया जाए या तख्ता पलट हो जाए। अब की बात क्या होगा? अमेरिका के तीन मिशन, पहला शी कमजोर होता 25% काम हो गया, शी को हटाते 50% काम हो गया, चाइना का भी 50% काम हो गया, अमेरिका का भी। और अगर चाइना के प्रेसिडेंट शी जी, छोटा सा क्लिप देखा सुमित पीर सर, बहुत ही अच्छे एक पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं और ग्लोबल करंट अफेयर हर चीज़ का इनका जो नॉलेज है काफ़ी अच्छा है और काफ़ी हाईली रेट करता हूँ मैं इनको। यहाँ पर एक्चुअली में बात हो रही है भारत के एक जो भारत का एक जो कद है दुनिया में किस तरीके से 2014 के बाद ऑब्वियसली बढ़ा है, आप माने ना माने बहुत बड़ा है। और अब आगे वीडियो में बात हो रही है P5 कंट्री UN में जो है उसमें भारत को भी मेंबर बनाना चाहिए, ऑब्वियसली बनाना चाहिए। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, वीडियो के लास्ट में करते हैं इस टॉपिक पर डिटेल में बात। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो, उसको निकाल लीजिए। चाइना, चलिए, एक सबसे बड़ी पॉपुलस कंट्री है, ठीक है, चाइना का GDP जा रहा है, एक वहाँ चाइना फॉलो कर दीजिए, बट जो बाकी दो कंट्रियाँ बचती हैं उनका हमसे क्या कंपेरिजन? अगर हम मिलिट्रीली देखे, इकोनॉमिकली देखे, वर्ल्ड क्लाउड में देखे, पॉपुलेशन में देखे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में देखे, कंट्रीब्यूशन टू वर्ल्ड GDP में देखे, आप किसी भी पैरामीटर से उनको इंडिया से कंपेयर करें, आबादी में कंपेयर करें, खाली आबादी क्राइटेरिया नहीं होता, इसलिए मैंने आबादी की लास्ट में बात की जी। अब आबादी से कंपेयर करें उनको, वो इफ दे डिजर्व टू बी देयर व्हाई वी शुड नॉट बी देयर? अब हमारे क्रेडेंशियल क्या, व्हाई वी शुड बी देयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सर, वी आर अराउंड 18% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, ठीक है जी, थर्ड मोस्ट पावरफुल नेवी, आर्मी, एयरफोर्स, वी आर द वर्ल्ड फिफ्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी, थर्ड बाई PPP, थर्ड बिगेस्ट नेवी, थर्ड हाइएस्ट फॉरन एक्सचेंज रिजर्व, वी कंट्रीब्यूट मैक्सिमम टू द UN पीस कीपिंग फोर्सेज, सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर हमारे रहते हैं और हमारे काफी लोगों ने अपनी जाने दी है UN पीस कीपिंग मिशंस में, ठीक है जी। उसके अलावा आप इंजीनियरों की बात करें, सबसे ज्यादा इंजीनियर हम दुनिया को देते हैं, डॉक्टर हम देते हैं, दवाई हम देते हैं, HCQ हम देते हैं, वैक्सीन हम देते हैं। 5 बिलियन वैक्सीन देने की तो बात हमने की नहीं, काम तो हमें दिया गया ना दुनिया को देने के लिए, हमें तो अपने लोगों को तो वैक्सीन लग गया। अब जो हम वैक्सीन बना रहे हैं, 5 बिलियन वैक्सीन बना रहे हैं, अभी हम सर्विकल कैंसर का वैक्सीन बनाया सर फखर भाई, 200 से 400 रुपए के बीच आएगा, पहले इंडिया में जाएगा फिर बाहर जाएगा। दैट वैक्सीन विल बी नीडेड बाय ऑलमोस्ट एवरी एडल्ट, यू नो, एवरी वुमेन हु हैज क्रॉस्ड प्यूबर्टी, उनको उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, तो हर माता बहन को उस वैक्सीन की जरूरत पड़ेगी, वो भी हम बना के दे रहे हैं। जब आप हमें इन सब समीकरणों में डाले, हम G20 में, हम क्वाड में, हम SU में, हम ITU2 में, हम SU में, दुनिया के इन 8-9 जो बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन सब में हम हैं, तो जब आप हर जगह हम हैं, ये हमारे क्रेडेंशियल्स है, व्हाई वी डोंट डिजर्व टू बी इन UNSC, सवाल ये है। दूसरी बात, UNSC फखर भाई हो गया रिडंडेंट, UNSC हैज नॉट बीन एबल टू प्रिवेंट एनी वॉर, रशिया यूक्रेन से लेके इंडिया पाकिस्तान की लड़ाई देखे, दुनिया में कोई भी लड़ाई देखे, UNSC has become redundant. कारण क्या है? 5 लोगों को आपने पावर दे दी SC में, 5 लोगों में एक कम्युनिस्ट चाइना बैठा है जो अपने इस वक्त किसी का दोस्त नहीं, ठीक है जी? और वहां जहां जिसका जहां मुद्दा अटकता है उसके दोस्त का, तो वो वीटो मार देता है। अब आप देखिए, यहाँ विनम्रता बताता हूँ आपको, हाफिज सैयद को पाकिस्तान कहता है टेररिस्ट है, हाफिज सैयद को कहता है फिर टेप, हाँ ये इसको पकड़ के देंगे हम तुम्हें, ठीक है जी, ये इसको पकड़ भी लिया हमने, इसको हमने जेल में डाल दिया। वही हाफिज सैयद पे, वही मसूद अजहर पे चाइना टेक्निकल होल्ड लगाता है। अब चाइना का ना हाफिज सैयद से राइट ना लेफ्ट, ना मसूद अजहर से ना राइट ना लेफ्ट, पर टेक्निकल होल्ड लगाने में सबसे आगे है, क्योंकि एक ऑटोक्रेटिक कम्युनिस्ट कंट्री ने पूरे दुनिया का सिस्टम खराब कर दिया। बोले कि सुमित जी ये तो आपका परसेप्शन होगा, हम तो नहीं मानते, काफी लोग बोलेंगे भाई हम तो नहीं मानते, फखर भाई अगर ये दुनिया में आईलैंड ऑफ पावर बन रहे, अगर UN इफेक्टिव होता, SCO की जरूरत नहीं थी, क्वाड नहीं होता, ITU2 नहीं होता, SCO नहीं होता, एक BSA करके ऑर्गेनाइजेशन है वो नहीं होती, कई सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, G20 है, ये नहीं है, ये सब क्यों हुई? दे आर कॉल्ड टिपिकली जियोपॉलिटिक्स में आइलैंड्स ऑफ पावर। आइलैंड्स ऑफ पावर तभी बनते हैं जब मेन बॉडी डिफंक्ट हो गई है, जब मेन बॉडी काम की नहीं हो गई है, अब ये छोटे छोटे आइलैंड्स ऑफ पावर बन गए हैं। अब इस आइलैंड्स ऑफ पावर की जो मैकेनिज्म बहुत कॉम्प्लेक्स हो गई है, देखिए कहीं हम चाइना के साथ कहीं विरोध करते हैं, कहीं हम उनके साथ टेबल पर बैठते हैं, करेक्ट,
बिल्कुल आप एससीओ की बात करें जी बिल्कुल, और इंडिया एक ब्रिक्स में आप लोग बैठे हुए इकट्ठे। हाँ मैं आपको, इंडिया एक ऐसी कंट्री में मोदी जी एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो हर फोरम में बैठते हैं। यहाँ तो जी भी नहीं बैठता, पुतिन भी नहीं बैठता, और ये आपके ये पुतिन भी नहीं बैठते। तो अब हुआ क्या, अब इन इन फोरम्स में किसकी कितना नेटवर्क है, कौन कितना मैश कर सकता है अपने आपके रिलेशन को, मैश मतलब व्हाट वी टॉक इन टेक्नोलॉजिकल मैश, नॉट इंग्लिश मैश, वेयर वी कैन हैव रिटेंडेंस इन स्ट्रक्चर एंड वेयर नो सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कैन बी इन अ नेटवर्क। द मैशिंग ऑफ दीज नेटवर्क्स विल ब्रिंग द कंपोजिट स्ट्रेंथ। ये आज की दुनिया की सच्चाई रहेगी, तभी यूएनएससी यूजलेस है। लेकिन एक बार आपको बताऊं, लास्ट पॉइंट बताऊं, 2 साल पहले मोदी जी ने खुद बोला था, मैं उस डिबेट में था, मैं नेशनल टीवी में बोला था कि वी आर लूजिंग पेशेंस। नाउ मैं तो डायरेक्ट बोलूंगा, आपके पहले भी आपके शो में कई बार बोल चुका हूँ और आगे भी बोल चुका हूँ, इट इज फॉर यूएनएससी टू थिंक, डू दे वॉन्ट टू बी यू नो डू दे वॉन्ट टू बी रेलिवेंट इन टूडेज टाइम और नॉट। फकर भाई मेरा ये मानना है, इन कंट्रीज जो आपने बोला उनके अलावा साउथ अफ्रीका, ब्राजील, इनको भी आपको रिप्रेजेंटेशन देनी पड़ेगी। यूएनएससी में कम से कम 12 मेंबर होने चाहिए, 10 से 12 मेंबर मेरे हिसाब से, और दैट शुड गो बाय मेजोरिटी वोट। अगर तब भी एक को वीटो देके कुछ नहीं होगा, अगर आप 70-30 करें, 80-20 करें, मान लीजिए 10 मेंबर है, अगर 8 मेंबर किसी चीज के खराब है, कहते हैं भाई हाँ ये करना है, दैट शुड बी यूएन का फैसला। अगर ये फिर एक मेंबर के पास वीटो पावर होगा तो वहां तो कुछ होगा नहीं ना, एक बंदे ने। लेकिन देखिए समझिए, एक चीज और है कि मतलब ये तो जिसने भी ये सिस्टम बनाया हुआ उसने ये इसीलिए बनाया हुआ है कि भाई बाकी 200 को हमने इसी के जरिए कंट्रोल करना है। ये बात तो हमारे सामने बड़ी क्लियर है। वो बेशक आपका जो परमानेंट मेंबरशिप है वो अमेरिका कह दे कि चले ठीक है, यूके कह दे कि ठीक है, बाकी जो मेंबर्स हैं वो कह दे ठीक है, लेकिन चाइना कहते हैं नहीं भाई हमने तो नहीं करने देना इनको, तो आपका आपका खत्म हो गया। मतलब आपकी बेशक वो एक तरफ मेजोरिटी और एक तरफ एक चाइना का वोट, तो खत्म हो गई बात, जीरो नहीं। ये आपने बहुत बढ़िया विषय उठाया। देखिए दिक्कत क्या है, दिक्कत आज देखिए चाइना क्या कर रहा है, चाइना हमारे खिलाफ जो हमारे इंटरेस्ट है उसके खिलाफ, वो जिसे मैंने आपको बताया कि एक टेररिस्ट है जिसको पाकिस्तान भी पकड़ना चाह रहा है, जिसको पाकिस्तान ने बोलने में जे मिल रहा है, चाइना उसका टेक्निकल होल्ड लगा रहा है। अब दिक्कत क्या है, दिक्कत देखिए चाइना का सिंपल एजेंडा इंडिया के इंटरेस्ट के खिलाफ काम करना, इंडिया का रास्ता रोकना है, जैसे रोक सकता है किसी भी तरह किसी भी कीमत पे। जी जी अब आप ये देखिए ना, एससीओ में हम चाइना के साथ बैठे और यहाँ आप ये पंगा काट रहे हो, राइट। सारे लोग कहते हैं भाई इंडिया को परमानेंट मेंबर होना चाहिए, बट ये चाइना वाला पंगा। पर देखिए जो जैसे यूएन की रूपरेखा है, मतलब एक चाइना के टेक्निकल होल्ड, चाइना के कहने से ऐसा नहीं कि यूएनएससी में आप मेंबर नहीं बन सकते, बट हाँ आपका कोई भी इंटरेस्ट जो यूएनएससी तक जाएगा चाइना उसको खराब जरूर कर सकता है। चीजें चलती रही, देखिए फखर भाई आप भी जानते हैं मैं भी जानते हैं, आज डब्ल्यूएचओ की जो वक्त है, 5 साल पहले डब्ल्यूएचओ की एक अथॉरिटी थी, आज डब्ल्यूएचओ की वो अथॉरिटी नहीं रही। अगर आप देखें नहीं है, जो 5 बिलियन वैक्सीन बनाने की का सेटिंग किसको बिठानी चाहिए थी, डब्ल्यूएचओ को, वो कौन बिठा रहा है, कौन को क्या जरूरत पड़ी वैक्सीन बनाने की, अगर डब्ल्यूएचओ अपना काम करे। अगर डब्ल्यूएचओ बोलते वायरस कहां से आया, अगर डब्ल्यूएचओ टाइम पे काम करता तो आप और हमारे जो भाई जो हमारे रिश्तेदार मरे हैं, जो हमारे दोस्त मरे कोविड में, वो नहीं मरते ना। हमारे कितने लोग जो मेरे साथ टीम पे आते थे बेचारे नहीं रहे। बट मैं कह रहा हूँ कि जब ये इंटरनेशनल बॉडी डिफंक होगी, नॉन फंक्शनल होगी, तभी इन चीजों की जरूरत पड़ रही है। लेकिन हमारा हमारा अपील भी है और हमारा वार्निंग भी है, ठीक है यार, दोनों 2-in-1 है, अपील। अगर 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 ऑल दैट थिंग्स विल टेक इट्स ओन कोर्स, लेट सपोज आपकी अपील नहीं मानी जाती तो फिर आपका क्या एक्शन होगा, एक बात तो ये। सेकेंडली ये है कि लाजमी सी बात है, पाकिस्तान को भी पता है कि अगर परमानेंट मेंबर बनता है हिंदुस्तान तो वो फिर मतलब FATF में कहते हैं नाक में दम करके रखा हुआ है वहां पे, हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें मैं कहता हूँ शायद बेहतर हुआ पाकिस्तान के लिए कि उसमें से उसको खत्म कर दिया गया, बहुत बहुत सारी ऐसी गलत चीजें चल रही थी जिसका नुकसान हो रहा था। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है खत्म। आपने देखा किस तरीके से सुमित पीर सर और फखर यूसुफ सर दोनों के बीच कन्वर्सेशन हो रहा था, और सुमित पीर सर मैं बहुत इनको बहुत ही अच्छे से सुनता हूँ, बहुत ही अच्छा ज्ञान है इनका और काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं और बहुत अच्छे से बताते हैं। तो बात हो रही थी P5 कंट्री के बारे में। आपको पता है दुनिया में P5 कंट्री कौन कौन सी है? आपको पता है तो कॉमेंट में बताइए, मैं आपको बताता हूँ, एक दो नाम छोड़ूंगा, आप उनके नाम लिखिएगा। पहला तो US होना ही है, दूसरा रशिया, तीसरा चीन, चौथा फ्रांस, पांचवा आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, बहुत आसान नाम है बताइएगा। तो ये कंट्री है, और आप समझिए कि दोस्तों भारत के साथ ऐसा सीन रहता था, अगर मान लीजिए भारत को के खिलाफ चीन, पाकिस्तान
चीन की मदद से कुछ बिल लाता था तो भारत उसको कैसे काउंटर करता था, आपको पता है रशिया हमारा एक खासा अच्छा दोस्त है, वो नेगेटिव वोट करता था तो वो सीधा कैंसिल हो जाता था। तो इस तरीके की चीज़ें भारत के साथ होती रहती थी, लेकिन उस ग्रुप में हम क्यों नहीं हैं? हम इतने बड़े मुल्क, इतना बड़ी आबादी वाला देश, पावरफुल जीडीपी, सब कुछ ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है 2013 में हम दुनिया की नंबर 2 जीडीपी होंगे, तो फिर हम क्यों नहीं हैं? ये एक सवाल है और होना चाहिए। ऑब्वियसली पीएम मोदी को प्रयास करना चाहिए, जो भी हो हमें वहाँ पर होना चाहिए। और एक बात बताता हूँ मैं आपको, अभी लेटेस्ट स्टेटमेंट है यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट है, उनका मैं करेक्ट नाम प्रोनाउंसिएशन नहीं कर पा रहा हूँ, जेनेस्की नाम है शायद, उन्होंने बोला है कि भैया रशिया को रिप्लेस करके इंडिया को घुसेड़ो, वहाँ पे उनकी ये डिमांड है। हालांकि वो तो पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, वो तो चाहते हैं कि इंडिया रशिया के बीच कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, हालांकि ऐसा होना नहीं है। भारत का रशिया सबसे पुराना दोस्त है और रहेगा हमेशा, फॉर एवर, तो उनने ऐसा बोला है, तो आप समझें उनकी प्लानिंग। अब भारत का कद ऊँचा हुआ है, माने ना माने, आप देखें भारत के आस पड़ोस के सारे देश, अब तो चीन में भी हालत ख़राब है, चीन में भी हाउस अरेस्ट की खबरें आ रही हैं, पाकिस्तान की हालत ख़राब थी, श्रीलंका की तो पता ही है आपको, बांग्लादेश भी आईएमएफ के पास जा रहा है, भारत से मदद मांग रहा है, म्यांमार की हालत वैसे ही ख़राब है, चीन में भी अब ऐसी सुनने में आ रहा है कि वहाँ पर भी पॉलिटिकल क्राइसिस आ सकता है। तो भारत